आज की वीडियो एक बहुत बड़ा खजाना देने वाली है आपको नॉलेज का, ग्रामर का, यूजेज का। जी हाँ, हेलो व्यूअर्स, हैव अ वेरी गुड डे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत बड़ा खजाना खोलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारी सेंटेंसेज लेकर के आए हम स्पोकन इंग्लिश वाली, जो हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो ग्रामेटिकली सेंटेंसेस कैसे बनाई जाएंगी। तो इस वीडियो सेशन में हम वो सारे सेंटेंसेस एक एक करके लेंगे और हर एक सेंटेंस की मैं ग्रामर और इन डेप्थ नॉलेज आपको देता जाऊंगा, जिससे आपके लिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये जो आज का वीडियो है वो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं सिखाएगा, बल्कि वो आपको पूरा ग्रामर सिखाएगा और आपको हर बारीकी से रूबरू कराएगा ग्रामर की। तो हर सेंटेंस को हम हिंदी में पढ़ते जाएंगे और इंग्लिश में ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को समझते जाएंगे, ताकि इस तरह के सेंटेंसेस हमारे मन में आती हैं तो बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, मुश्किल हमें कभी भी फील ना हो। रिवर्स सेंटेंसेस हमारे पास बहुत सारी हैं, इसलिए हमें इन सेंटेंसेस की एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, 5-6 वीडियोस की। सो हर वीडियो को गौर से देखते जाएं, गौर से समझते जाएं और अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश बनाते जाएं। सो नंबर वन की सेंटेंस है, लड़के नटखट होते हैं। जी हाँ, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग यही सोचेंगे कि इसका टेंस क्या हुआ। तो टेंस इसका पता करने के लिए आपको काम देखना पड़ेगा कि काम क्या हो रहा है इसके अंदर। सो लड़के नटखट होते हैं, लड़के हैं लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का स्टेट बता दिया गया है, उन्हीं की दशा बता दी गई है कि भैया वो नटखट होते हैं, तो काम तो हो ही नहीं रहा है। जब काम हो रहा होता तो फिर हम तब देखते भाई कि इसमें काम हो रहा है तो कंटिन्यूस कर दो, या हो चुका है तो परफेक्ट कर दो, या दोनों ही बातें पता नहीं चल रही हैं तो इंडेफिनिट कर दो। लेकिन यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, ना हो चुकने की नॉलेज है, तब भी ये इंडेफिनिट हुआ, राइट? लेकिन ऐसा इंडेफिनिट जिसमें काम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, सिर्फ स्टेट के बारे में बात हो रही होगी, दशा के बारे में बात हो रही होगी, तो उस सेंटेंस में हम इज एम आर का ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, खाली इज एम आर से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है। इसी तरह से अगर आप पास्ट की बात करें तो खाली वॉज वर्ब से भी पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है, उसमें भी काम नहीं हो रहा होगा। जैसे कि सेंटेंस हो जाती है कि तुम कल कहाँ थे, जैसे कि सेंटेंस हो जाती है कि कल संडे था, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, राइट? सो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाना है हमें कि लड़के नटखट होते हैं। अब ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। लड़के, सारी दुनिया के लड़के, किन्हीं खास लड़कों की तरफ इशारा नहीं है, इसलिए हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लड़के की इंग्लिश सिर्फ बॉयज़ लेंगे हम, बॉयज़ होते हैं, इज़ एम आर से मीनिंग देंगे, ज़्यादा हैं इसलिए आर। सो बॉयज़ आर नटखट होते हैं, नटखट की इंग्लिश लगा दीजिए आप, नॉटी। सो सेंटेंस हो गई आपकी, सब्जेक्ट बॉयज़, मैन वर्ब इज़ एम आर और नॉटी, बॉयज़ आर नॉटी। यहाँ पे जो आर है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैन वर्ब तो है ही नहीं और यही आर मैन वर्ब का काम कर रहा है। सो इसीलिए इस मैन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब मैन वर्ब का काम करते हैं, तो उस वक्त वो लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लिंकिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब बनते हैं, राइट? यही इज एम आर आपने सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, यही वॉज वर्ब आपने सीखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, मैन वर्ब नहीं है, तो यही हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे और उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सच्ची दोस्ती कम होती है, सच्ची दोस्ती कम पाई जाती है। जी हाँ, सच्ची दोस्ती कम होती है, ये सेंटेंस भी किसी काम की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मीन्स इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें एक फैक्ट बताया जा रहा है कि सच्ची दोस्ती कम होती है। तो होती है हो हूँ का मीनिंग इज एम आर से दिया जाता है जब कोई काम नहीं हो रहा होता है, और यही इज एम आर यहाँ पे मैन वर्ब का काम करते हैं और उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम कि सच्ची दोस्ती क्या, सच्ची दोस्ती ट्रू फ्रेंडशिप, इज एम आर में से एक लेंगे आप, ट्रू फ्रेंडशिप एक ही चीज़ है तो वहाँ पर यूज़ लगाएंगे ट्रू फ्रेंडशिप इज, और कम के लिए आप रेयर ले लेंगे। सो सच्ची दोस्ती कम होती है, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, सच्ची दोस्ती कम पाई जाती है, सच्ची दोस्ती ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयरली फाउंड, ऐसे भी हो सकता था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बंगाली लोग बंगला बोलते हैं। जी हाँ, टेंस समझेंगे पहले इस सेंटेंस का, बंगाली लोग बंगला बोलते हैं, बंगाली लोग काम कर रहे हैं बोलने का, और तातीते पे एंडिंग हो रही है, प्लस है हो हूं पर भी एंडिंग हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, नाउ सब्जेक्ट कौन हुआ, बंगाली लोग, तो लोगों की तरफ इशारा करेंगे तो द बंगालीज करेंगे हम, द बंगालीज बोलते हैं, स्पीक
बंगला भाषा बोलते हैं तो हम बंगला लगा देंगे, द बंगोलीज स्पीक बंगाली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पटना में एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है ना कोई काम करने वाला है, लेकिन सेंटेंस की एंडिंग है से हो रही है, तो है से मीनिंग प्रेजेंट हुआ और कोई काम ही नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि इंडेफिनिटी है पक्का। सो पटना में एक विश्वविद्यालय है, ना तो कोई सब्जेक्ट हुआ ना कोई काम हो रहा है, सो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है ना कोई करने वाला है, तो इसको हम कैसे समझेंगे भाई? ऐसे सेंटेंसेस कहीं कुछ होने ना होने के बारे में जानकारी देती हैं, और जब भी हम कहीं कुछ होने या ना होने के बारे में जानकारी देंगे तो उस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दियर लगता है, TH ERE, दियर, दियर, जी हाँ, जिसका मीनिंग वहाँ होता है। लेकिन इस दियर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मीनिंग हम वहाँ से नहीं निकालेंगे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा यहाँ पर। सो दियर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर दियर के बाद हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या लग रहा है? SMR लग रहा है, तो दियर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। सो हमारी सेंटेंस हो गई दियर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। जी हाँ, इस सेंटेंस में कहीं कुछ होने या ना होने की बात की गई थी। सो दियर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज मुझे बहुत से काम करने हैं। जी हाँ, हैं से तो पता चल गया आपको कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें काम हो रहा है या काम हो चुका है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इस बात की है कि करना है, मीन्स काम करने का इरादा है, ये इरादे वाली सेंटेंस है, और जब इरादे वाली सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगा करके इरादे का मीनिंग दिया जाता है। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ टू या हैव टू लेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर पास्ट है तो आप हैड टू लेंगे, अगर फ्यूचर है तो आप विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू तो इस्तेमाल ही नहीं होता है फ्यूचर में। तो वहाँ पे सेंटेंस हो रही है, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन करते वक्त ये सोचने लग जाते हैं कि यार आज अगर पहले लिखा है तो आज की मीनिंग लगा दें हम, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो हमेशा आपको सब्जेक्ट पहले लाना है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मुझे, तो मुझे की इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आप लगाएंगे आई, आई करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इरादा है सेंटेंस में तो हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तो आई के साथ आप हैज टू तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, हैव टू ले लें आप, सो सेंटेंस हो जाएगी आई हैव टू। फिर मैन वर्ब चाहिए आपको, तो मैन वर्ब क्या है? करने, करने की बात हो रही है तो वहाँ पर डू ले लीजिए आप, आई हैव टू डू बहुत सारे काम, अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। सो सेंटेंस हमारी हो जाती है आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, ऐसे वही प्रेजेंट हो गया और इंडेफिनिट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है। सो इसीलिए सेंटेंस का मीनिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ? पटना, पटना के साथ आपको लगाना है इज, इसके बाद सिचुएटेड, किनारे, किनारे की इंग्लिश लगाना है आपको, बैंक, सो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, तो यहाँ पे नदी का नाम लिया जा रहा है गंगा, और जब भी नदी का नाम लिया जाता है तो उससे पहले दा भी आता है, सो सेंटेंस हो जाती है पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। राइट, हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस तरफ एक मकान था, इस तरफ एक मकान था, कुछ होने या ना होने की जानकारी दे रहे हैं, था पास्ट में, कोई काम तो हुआ नहीं, ना हो चुकने की बात है ना जारी रहने की बात है, तो इसलिए इसको हम इनडेफिनिटी मानेंगे। था थी का मीनिंग हम वॉज या वर से लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही मकान की बात हो रही है तो हम वहाँ पे वॉज लेंगे। सो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे दियर, तो दियर के साथ वॉज, दियर वॉज एक मकान, अ हाउस ऑन दिस साइड, इस तरफ एक मकान था, दियर वॉज अ हाउस ऑन दिस साइड। नाउ द सेंटेंस इज, सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे से पास्ट, काम तो कोई हो नहीं रहा है ना हो चुका है, तो इसलिए इनडेफिनिटी माना जाएगा। सो कहीं कुछ होने ना होने की बात कर रहे हैं कि पेड़ थे या नहीं थे, तो पेड़ थे, सो वही सेंटेंस हम बनाएंगे दियर से। सो दियर सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर वॉज वर में से एक चाहिए, सो पेड़ बहुत सारे थे तो वर ले लेंगे, दियर वर, फिर क्या थे? पेड़, तो दियर वर ट्रीज दोनों तरफ, ऑन आइदर साइड, यहाँ पे ऑन लगाना बहुत जरूरी है दोनों साइडों पर या दोनों तरफ पर का मीनिंग देने के लिए। सो सेंटेंस हो जाती है दियर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, यहाँ पे काम हो रहा है बीतने का, और बीत जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सो क्या बीत जाते हैं? सुख के दिन, सो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सुख के दिन, सुख के दिन की मीनिंग लेंगे हम द डेज ऑफ हैप्पीनेस, और बीत जाते हैं पास अवे जल्दी क्विकली, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे क्विकली। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ईमानदारी भी एक बहुत बड़ा गुण है, काम नहीं हो रहा है कुछ, क्वालिटी बताई जा रही है, राइट, किसकी? ईमानदारी की, सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईमानदारी, और है से मीनिंग आ रहा है तो प्रेजेंट ही हुआ, और काम तो कुछ हो नहीं रहा है तो इसलिए इंडेफिनिटी मानेंगे। तो सब्जेक्ट हुआ ऑनेस्टी, इस बार में से एक लेना है, तो इज लिया हमने, एक बड़ा गुण, अ ग्रेट क्वालिटी,
नाउ द सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो. काम हो रहा है यहाँ पे बिगाड़ने का और बिगाड़ने का काम जा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ. और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए हमें फॉर्मूले चाहिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस विवन के साथ आए एनजी प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, तो चलो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाकर के हम सेंटेंस बनाते हैं. तो सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम. यू इज एम आर में से एक लो. आर, यू आर. बिगाड़ने की इंग्लिश स्पॉइल प्लस आई एन जी भी लगाना है. यू आर स्पॉइलिंग अपने आप को. योर सेल्फ, यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी को भी अपना काम अपने आप ही करना चाहिए. चाहिए वाली सेंटेंस हो गई जिसके लिए हम शुड लगाते हैं. तो शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. राइट, तो करना मैन वर्ब हुआ, करना चाहिए. सो शुड डू तो लगेगा लगेगा. किसी को भी की इंग्लिश होती है वन, ओ एनी वन. जी हाँ, जब किसी की तरफ ऐसे ही इशारा करते हैं तो वन का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर. सो वन शुड डू वन्स वर्क वन सेल्फ. तो किसी को भी अपना काम अपने आप से ही करना चाहिए. सेंटेंस हो गए वन शुड डू वन्स वर्क वन सेल्फ. नाउ द सेंटेंस इज लड़के जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं से बात हो रही है तो प्रेजेंट हुआ, और सकने की बात हो रही है तो यहाँ पे कैन भी लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिटी माना जाएगा ये सेंटेंस भी. राइट, क्योंकि काम हो रहा है या हो चुकने की कोई बात ही नहीं पता है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ. तो लड़के, जी हाँ, जो खास लड़के जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें दा लगाना पड़ेगा. द बॉयज़, जो जो का इशारा जो इंसानों के लिए किया जाता है उसके लिए हु लगाना पड़ता है. सो द बॉयज़ हु चाहते हैं वॉन्ट टू गो, मैं गो, जा सकते हैं. सेंटेंस हो गई द बॉयज़ हु, द बॉयज़ हु वॉन्ट टू गो, मैं गो. सो व्यूवर्स, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं. लगभग 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस हम कर चुके हैं और इन 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस में आपने काफ़ी कुछ सीखा है. इसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद ब खुद बना सकते हैं. तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस बनाते रहें और बोलते रहें और वीडियो को बार बार देखते रहें जिससे आप सेंटेंसेस बखूबी और आसानी से सीख लें. व्यूवर्स, जो भी लोग हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे वक्त पे उनको नोटिफिकेशन मिल सकें और वो वीडियो वक्त पे देख सकें और इंग्लिश वक्त पे सीख सकें. और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करना ना भूलें.